से 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 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार मानवता के हक में। मागील 2.5 वर्षापासून मी इथं बघत आलो आहे की सर्व हिंदू बांधव आणि मुस्लिम बांधव प्रत्येक सण हा अतिशय आनंदाने उत्साहाने आणि एकमेकांमध्ये सहकार्याची भावना ठेवून साजरी करत आहेत। प्रत्येक सण अतिशय चांगल्या प्रकारे इथं साजरा झाला आहे, शांततेत साजरा झालेला आहे आणि त्यामुळेच आपली ही परंपरा कायम देखील राहिलेली आहे। गणेश मंडळाचे या वर्षीचे जे अध्यक्ष होते केवल आप्पा आमचे मित्र, त्यांची नेहमीच प्रशासनाला सहकार्याची भूमिका असते आणि त्यांच्या नेतृत्वामध्ये सर्व गणेश मंडळांनी प्रशासनाला सहकार्य केलं, त्याबद्दल त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो, आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठाकरे साहब ने पूरे महाराष्ट्रवासियों को जो विनंती आह्वान किया था क्या कोरोना के संकट को सामने रखते हुए हमने फिजिकल डिस्टेंस और मिरौनुका के ऊपर जो बंदी है, तो मैं समझता हूँ एक कौटुंबिक तौर पर गणेश जी आज साझा कर रहे हैं और एक नया दौर मैं समझता हूँ इस कोरोना के माध्यम से ये आया है। तो वक्त संजय फतनानी जी मौजूद है, सर आज के शुभ दिन पर क्या आप पैगाम देना चाहेंगे देशवासियों को, लोगों को? बहुत बढ़िया है, कोरोना के जो नियम महाराष्ट्र सरकार ने लागू किए हैं गणपति विसर्जन को देखते हुए, जो है गर्दी कम करके और जल्द से जल्द विसर्जन करना चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। हम लोग हमेशा रात को 10 बजे करते थे, आज सबको जल्दी करके करके हम लोग अभी 7 बजे हम विसर्जन कर रहे हैं और हर किसी से हम निवेदन करते हैं कि सरकार ने जो नियम जो लागू किए हम ये हमारे भलाई के लिए किए हैं, इसमें हम लोगों को कहीं पर भी जाति भेद का नहीं करना चाहिए और सरकार का सम्मान करना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मॉर्निंग स्टार गणेश मंडल के जिम्मेदार यहाँ पर है, मैं चाहूँगा कि मालेगांव शहर के मशहूर हमारे कैलाश बहुत तिस्की यहाँ पर मौजूद हैं। सर आज के दिन क्या शुभ संदेश आप देना चाहेंगे देशवासियों को? आज के दिन सबसे पहले तो मैं मालेगांव के तमाम हिंदू मुस्लिम बांधव को इस आनंद चतुर्थी के बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऊपर वाला उनकी सबकी सेहत अच्छी रखे, उनके कारोबार में अच्छे से अच्छी बढ़ोतरी मिले, ऐसी गणराय चरण में मैं प्रार्थना करके सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शासन की जो गाइडलाइन आई थी कि भाई कोरोना काल में जो ऊपर से जो गाइडलाइन आई वो सब पाल के हमने आज के 10 दिन वो सब गणेश उत्सव साजरा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को लोगों तरफ मैसेज भेजने का था, वो हिसाब से हमने कोई वाजंत्री नहीं, कुछ नहीं, कोई ताक झाम नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, वो हिसाब से हमने ये साल गणपति साजरा करे है कि अगले साल जिंदगी रहे तो इससे अच्छा अपन त्यौहार बना सकते हैं। लेकिन जो कोरोना काल में जो अपने जो कार्यकर्ते जो नेता मंडली जो भी शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और लोगों को यही मैसेज दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शासन को सहकार्य करें, ऐसे में सब कार्यकर्ताओं को विनंती करता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।